नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु स्पेशल एंड ब्लॉग्स। मैं हूँ आपकी अनु। आज है हरितालिका तीज और मैं आज हूँ उपवास। सारे चीज तो बन गए हैं मेरे। पार्ट वन के वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, ये पार्ट टू है। तो आज मैं केवल पूजा के लिए प्रसाद बना रही हूँ, क्योंकि बासी प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए। तो मैं अभी ताज़ा ताज़ा फ्रेश बना रही हूँ। ये मैं खजूर बना रही हूँ और स्वीट्स बनाने बाकी है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं बनाऊँगी, नहीं तो देखती हूँ क्या करते हैं। तब तक खजूर तलती हूँ और वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि पार्ट टू वीडियो में बहुत ही स्पेशल होने वाला है। उसमें पूजा होने वाला है मेरी। फर्स्ट ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैं ये खजूर बनाने लगी हूँ। क्योंकि आपको पता ही है मेरे साथ छोटा बेबी है, तो इशू है, तो ज़्यादा से मुझे उसकी भी केयर करनी पड़ती है। सभी को देख ही लेते हैं, बट जैसे फीड वगैरह कराना हो, खाना परानी खाना खिलाना हो, तो मुझे ही करना पड़ता है। केवल मैं भगवान जी के प्रसाद के लिए बना रही हूँ आज के लिए। तब तक इशू बाहर गया हुआ है, मुझे तो पता। जब खुद के खाने के लिए बन जाएगा तो भगवान के लिए तो नहीं बन सकता है। तो मैं फटाफट थोड़ी सी आटा लगाई और क्या कि मैंने पांच कढ़ाई में है और चार मैंने ये गोला बनाया हुआ है, इसकी मैं चार बना देती हूँ। और मुझे पापड़ बनाने हैं। पापड़ सब यहाँ पे, मतलब मुझे तो नहीं पता था यहाँ पे पापड़ भी चला चढ़ाते हैं भगवान को। यह है थोड़ी सी आटा और मैं थोड़ी सिंपल नहीं होगी, नहीं रहेगा। मैं ये पापड़ की आटा तैयार है, इसे मैं बनाऊंगी पांच पापड़। पांच से ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे से मैं बहुत टाइम निकाल के कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रेडी भी होनी है। पापड़ तो मैं बहुत अच्छे से बना सकती थी, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं बनाया। मैं जस्ट हाथ से जुगाड़ लगाई हूँ, क्योंकि चकला बिलना धोया नहीं था। प्रसाद बनाने के बाद मैं रेडी होने आ गई हूँ। मैं नया बिछिया चेंज कर रही हूँ, देखिए मेरी बिछिया कैसी है। और मैं पायल भी पहनूँगी। वीडियो देखते रहिए ताकि पता चले मैं कैसी रेडी हुई। एक्चुअली मुझे छुन छुन बजने वाली पायल बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यही पायल प्रेफर करती हूँ हमेशा पहनना, जिसमें बहुत अच्छी छुन छुन की आवाज़ है। देखिए मैं पाँव में आलता भी लगा ले रही हूँ। शाम को चार बज गए, एक घंटे के बाद यानी पाँच बजे पंडित जी आने वाले हैं पूजा कराने। तो जितना फास्ट हो सके मैं जल्दी जल्दी रेडी होने की कोशिश कर रही हूँ। और देखिए मैं रेडी हो पा, जल्दी से अच्छे से रेडी हो पाती हूँ कि नहीं। ऐसे तो पूजा के टाइम तक तो हो ही जाना है, बट मैंने जो सोचा है वैसे हो पाता है कि नहीं। आगे वीडियो में आप मेरे साथ देखते रहिए, तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या मैंने किया। आज मुझे पैर अच्छे से रंगने का मन हो रहा था। एक्चुअली लास्ट मिनट पे मुझे याद आया कि मैं थोड़ा सा कुछ अच्छी डिज़ाइन बनाती हूँ, लेकिन अच्छी बनी तो नहीं, बस काम चलने लायक तो बन ही गई। उतना तो आ ही जाता है तो कि बन जाए, बहुत सुंदर तो नहीं आता है, लेकिन जैसे भी हो मैंने अच्छे से लगा लिया। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैंने पैर जो लगाया है आलता वो कैसी लगी है, उसकी डिज़ाइन कैसी है। अगर अच्छे से टाइम मिलता तो मैं थोड़ी अच्छे से भी लगा पाती, बट कोई नहीं, ये भी अच्छा ही लग रहा है। आप देख ही रहे होंगे मैं कितनी फास्ट लगा रही। पैर रंग गई और मैं अब बिछिया पहन लेती हूँ। दो बिछिया पहनने के बाद मैं पायल भी पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे पायल बहुत पसंद है पहनना। हमेशा नहीं, लेकिन साड़ी पर मैं पायल ज़रूर ही पहनती हूँ। देखिए मेरी फाइनल पैर की ये ऐसी लग, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं साड़ी पहन चुकी हूँ और मैं बैंगल्स पहन रही हूँ। देखिए जल्दी जल्दी पंडित जी आ चुके हैं और वो पूजा की तैयारी करने बैठ गए हैं। मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही। एक्चुअली लेट इसलिए हो जा रहा था कि बीच बीच में मुझे कृषु को भी देखना पड़ रहा था, इसीलिए मैं रिंग भी पहन ली फाइनल। और अभी बहुत बाकी है, कॉम करना भी बाकी है। देखिए मेरी चूड़ियाँ, अब मैं चलती हूँ कॉम करने।
मैं बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल की थी, बहुत ही सिंपल, क्योंकि पंडित जी आ चुके थे और गर्मी भी बहुत थी, तो मैं ज़्यादा कुछ की नहीं। और अब रहा सुहागन का निशान यानी सिंदूर, तो ये हमारा मतलब शादी के टाइम का सिंदूरदान है, जिसमें सिंदूर रखते हैं जिससे शादी होती है। पूजा में मैं और घर पे आती हूँ तो जब भी शैम्पू वगैरह करती हूँ तो मैं सिंदूर से ही सिंदूर लगाती हूँ। सिंदूर लगाने से पहले सर पे आँचल रखना इम्पोर्टेंट होता है, मैं आँचल रख के फिर सिंदूर लगाई हूँ। अब आई बिंदी की, तो ये देखिए मैं रेड कलर की बिंदी लगाने जा रही हूँ, बड़ी बिंदी लगाने। ये मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये दीदी का है आई शेडो, मैं ये थोड़ी सी लगाऊंगी। मेरी लाइफ में का लिपस्टिक, लिपस्टिक में लगाना मुझे बहुत पसंद है और मैं कलर बार की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। अब आ गई टाइम ज्वेलरी की, ज्वेलरी पहनने मैं इयररिंग पहन रही। ये देखिए मेरा फाइनल लुक, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी कुछ तो मिसिंग है इसमें, मिसिंग ये है कि मैंने टीका नहीं लगाया है। ये रहा मेरा फाइनल लुक, मैं कैसी लग रही हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपनी एक मेकअप भी शेयर करूँगी, आज मैंने मेकअप नहीं शेयर कर पाई, बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मेकअप भी शेयर करूँगी। ये देखिए मैं हेयर स्टाइल, मैंने आपको जैसे बताया था कि बहुत अच्छी नहीं की थी क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। और ये रहा मेरी चुन्नी जिससे मेरी शादी हुई थी, पूजा में चुन्नी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो ये रही मेरी चुन्नी। मेरी चुन्नी मुझे तो बहुत पसंद आती है, आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताएं। और मेरी वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूले, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। टीका लगाना भूल गई थी तो बाद में दीदी ने याद दिलाया कि टीका कब लगाओगी, तो मुझे याद आया, तो ये रहा मेरा टीका, मैं टीका अब लगा ले रही हूँ। मेरी थर्ड पार्ट भी आने वाली है, ज़रूर देखें।